भक्तों, यह सोमवार की व्रत कथा है। कृपया इसे पूरा सुने और अन्य भक्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी कथा हो हमेशा उसे पूर्ण रूप से सुनने पर ही उसका लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव सब देवों के महादेव हैं, वे सर्वोच्च हैं। उनकी कृपा से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। आइए उन्हीं की महिमा से ओतप्रोत सोमवार की व्रत कथा का श्रवण कीजिए। सोमवार दिन बड़ा है पावन, शिव की पूजा कर लो इस दिन। शिव से बड़ा न देव कोई है, जो शिव चाहे होता वही है। कथा सुनो और सबको सुना, शिव से मन वांछित फल पाओ। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। भक्तों, प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत दूर तक फैला था। वह नगर में उस व्यापारी की बहुत प्रतिष्ठा थी, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि व्यापारी को कोई संतान नहीं थी, जिस कारण उसे यह चिंता सताती थी कि मृत्यु के पश्चात उसके व्यापार और वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा। पुत्र प्राप्ति की कामना से व्यापारी वे उसकी धर्म पत्नी हर सोमवार व्रत करते और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया करते थे। उनकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हुई। वे भगवान शिव से सेठ की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती बोली, सुनो भगवन, खुशियों से भरो सेठ का दामन। भाव से दोनों करते पूजन, सौंप चुके तुमको तन मन धन। दो संतान का वर इन्हें स्वामी, कृपा करो हे अंतर्यामी। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके पूर्व कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है और यही विधान है, परंतु माँ पार्वती नहीं मानी और सेठ की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बार बार शिवजी से अनुरोध करती रही। और यह सब देखकर भोलेनाथ को पुत्र का वरदान सेठ को देना पड़ा। शिव बोले, सुनो बात हमारी, कर्मों की गति जाए ना तारी। पुत्र मिले पर सुख नहीं पाए, सोलवे वर्ष में पुत्र मर जाए। कोई है सोही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। उसी रात भगवान शिव ने
सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति के साथ साथ 16वें वर्ष में पुत्र की मृत्यु के बारे में भी बताया। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, परंतु अल्पायु में पुत्र के जाने की बात सेठ को सताने लगी। परंतु व्यापारी विधिवत रूप से पहले की तरह सोमवार के नियमित व्रत करता रहा। कुछ महीनों पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और घर में खुशियां भर गई। सेठ खुशी से नाचे गावे, पर वो बात सेठ को सतावे। अल्पायु में पुत्र चला जाए, फिर खुशी मनाए। शिव की महिमा समझ न आए, जाने क्या क्या खेल रचाए। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। समय के साथ पुत्र बड़ा हुआ और 12 वर्ष का होते ही सेठ ने पुत्र को उसके मामा के साथ वाराणसी में भेज दिया, जहां उसे शिक्षा प्राप्त करनी थी। वाराणसी जाते हुए जहां भी मामा और भांजा रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा के बाद वे दोनों एक नगर में पहुँचे, जहाँ उस दिन राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण नगर को पूरा सजाया गया था। राजा की कन्या का वर था काना, वर का पिता ना चाहे बताना। वर के पिता ने दिमाग लगाया, सेठ के पुत्र को दूल्हा बनाया। राजा की बेटी को ये ब्याहे, बाद में अपने रास्ते जाए। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। वर के पिता ने सोचा कि एक बार सेठ के पुत्र से विवाह हो जाए, बाद में मामा भांजे को धन देकर बहू को अपने पुत्र के लिए ले जाऊंगा। धन के लालच में मामा ने बात मान ली और अपने भांजे यानी सेठ के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजा की बेटी के साथ विवाह कर दिया। राजा ने खूब धन देकर अपनी बेटी को विदा किया। सेठ का बेटा छुपा नहीं पाया, राजकुमारी को सच है बताया। धोखे से ये विवाह कराया, मामा ने मुझको है फसाया। राजा ने जब सब कुछ है जाना, बेटी को भेजने को ना माना। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। राजा ने अपनी बेटी को अपने घर ही रख लिया और उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी में गुरुकुल पहुंच गया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई, तो उसने
यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी रात को अपने शयन कक्ष में सोते हुए शिव के कहे अनुसार उसके प्राण पखेरु शयनावस्था में ही उड़ गए। पूरे उदय पर मामा ने अपने भांजे को मृत पाया तो वह रोने लगा। वह आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। भोले पार्वती संग थे जाते, देखे उन्होंने लोग चिल्लाते, पार्वती शिव जी से बोली, भर दो भक्तों की तुम झोली, करुण पुकार सुनी नहीं जाती, बात है क्या ये क्यों पुर लाए। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण, जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। भगवान शिव और पार्वती ने वहाँ जाकर देखा तो माँ पार्वती ने कहा कि ये तो वही युवक है, उस व्यापारी का पुत्र। शिव बोले, हाँ इसका समय पूर्ण हो गया, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। परंतु माता ने शिव जी से पुनः आग्रह किया कि भोलेनाथ ऐसा न करो, इस युवक को जीवन दो। सेठ सेठानी आपके अनन्य भक्त हैं, वे आपके भक्तों पर कष्ट ना आए इसका आपको ही हल करना होगा। दिया वरदान तभी शंकर ने, युवक हुआ जीवित पल भर में, भोले भाव में यूं बह जाते, बहते हैं जल में, युवक ने चिर आयु है पाई, सबने जय जयकार बुलाई। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण, जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। युवक अपनी पढ़ाई पूरी करके मामा सहित जब वापस अपने नगर में जा रहा था तो वे दोनों उसी नगर में पहुँचे जहाँ युवक का विवाह हुआ था। उन्होंने वहाँ यज्ञ किया और जैसे ही राजा ने उन दोनों मामा भांजे को देखा, उसने उन्हें पहचान लिया और यज्ञ समाप्ति के पश्चात उन्हें महल में ले जाकर धन धान्य देकर अपनी राजकुमारी को उनके साथ विदा किया। उधर सेठ ने अन्यथा त्यागा, सेठानी ने संकल्प लिया था, यदि पुत्र मृत्यु को पावे हम भी तक कुछ ना खाए, पर शिव की है लीला न्यारी, व्रत करने की महिमा भारी। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण, जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन उनका बेटा उनकी पुत्र वधु को साथ लेकर नगर में पहुंचा और माता पिता की चरण वंदना करके सारा वृतांत सुनाया। सेठ सेठानी भगवान शिव की लीला और कृपा से अति भाव विभोर हो गए।
उसी रात भगवान शिव ने सेठ के स्वप्न में आकर कहा, तुम्हारे निरंतर सोमवार के व्रत व कथा के कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। यह कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। शिव भक्तों के काज समारे, भव सागर से पार उतारे, व्रत पूजन कथा सोमवार की है कुंजी ये मोक्ष के द्वार की। कुमार हरीश सेवक है तुम्हारा, हर पल लेता नाम तुम्हारा। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। तो भक्तों, आपने कथा का भरपूर आनंद व लाभ उठाया। कृपया अन्य भक्तों को यह कथा शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ हो। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्तों, यह सोमवार की व्रत कथा है। कृपया इसे पूरा सुने और अन्य भक्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी कथा हो हमेशा उसे पूर्ण रूप से सुनने पर ही उसका लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव सब देवों के महादेव हैं, वे सर्वोच्च हैं। उनकी कृपा से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। आइए उन्हीं की महिमा से ओतप्रोत सोमवार की व्रत कथा का श्रवण कीजिए। सोमवार दिन बड़ा है पावन, शिव की पूजा कर लो इस दिन। शिव से बड़ा न देव कोई है, शिव चाहे होता वही है। कथा सुनो और सबको सुनाओ, शिव से मन वांछित फल पाओ। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, सबका कल्याण। भक्तों, प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत दूर तक फैला था। वह नगर में उस व्यापारी की बहुत प्रतिष्ठा थी, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि व्यापारी को कोई संतान नहीं थी, जिस कारण उसे यह चिंता सताती थी कि मृत्यु के पश्चात उसके व्यापार और वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा। पुत्र प्राप्ति की कामना से व्यापारी वे उसकी धर्मपत्नी हर सोमवार व्रत करते और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया करते थे। उनकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हुई। वह भगवान शिव से सेठ की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती बोली, सुनो भगवन, खुशियों से भरो सेठ का दामन। भाव से दोनों करते पूजन, चुके तुमको तन मन धन। दो संतान का वर इन्हें स्वामी,
शंकर भगवान करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान करना सबका कल्याण। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके पूर्व कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है और यही विधान है, परंतु माँ पार्वती नहीं मानी और सेठ की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बार बार शिवजी से अनुरोध करती रही और यह सब देखकर भोलेनाथ को पुत्र का वरदान सेठ को देना पड़ा। शिव बोले, सुनो बात हमारी, कर्मों की गति जाए ना तारी, पुत्र मिले पर सुख नहीं पाए, 16वें वर्ष में पुत्र मर जाए, कोई है सो ही जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। जय शिव शंकर भगवान करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान करना सबका कल्याण। उसी रात भगवान शिव ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति के साथ साथ 16वें वर्ष में पुत्र की मृत्यु के बारे में भी बताया। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, परंतु अल्पायु में पुत्र के जाने की बात सेठ को सताने लगी, परंतु व्यापारी विधिवत रूप से पहले की तरह सोमवार के नियमित व्रत करता रहा। कुछ महीनों पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और घर में खुशियां भर गई। सेठ खुशी से नाचे गावे, पर वो बात सेठ को सतावे, अल्पायु में पुत्र चला जाए, फिर खुशी मनाए, शिव की महिमा समझ न आए, जाने क्या क्या खेल रचाए। जय शिव शंकर भगवान करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान करना सबका कल्याण। समय के साथ पुत्र बड़ा हुआ और 12 वर्ष का होते ही सेठ ने पुत्र को उसके मामा के साथ वाराणसी में भेज दिया, जहां उसे शिक्षा प्राप्त करनी थी। वाराणसी जाते हुए जहां भी मामा और भांजा रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा के बाद वे दोनों एक नगर में पहुंचे, जहां उस दिन राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण नगर को पूरा सजाया गया था। राजा की कन्या का वर था काना, वर का पिता ना चाहे बताना, वर के पिता ने दिमाग लगाया, सेठ के पुत्र को दूल्हा बनाया, राजा की बेटी को ये ब्याहे, बाद में अपने रास्ते जाए। जय शिव शंकर भगवान करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान करना सबका कल्याण। वर के पिता ने सोचा कि एक बार सेठ के पुत्र से विवाह हो जाए
बाद में मामा भांजे को धन देकर बहू को अपने पुत्र के लिए ले जाऊंगा। धन के लालच में मामा ने बात मान ली और अपने भांजे यानी सेठ के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजा की बेटी के साथ विवाह कर दिया। राजा ने खूब धन देकर अपनी बेटी को विदा किया। सेठ का बेटा छुपा नहीं पाया, राजकुमारी को सच है बताया, धोखे से ये विवाह कराया, मामा ने मुझको है फसाया। राजा ने जब सब कुछ है जाना, बेटी को भेजने को ना माना। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। राजा ने अपनी बेटी को अपने घर ही रख लिया और उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी में गुरुकुल पहुंच गया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी रात को अपने शयन कक्ष में सोते हुए शिव के कहे अनुसार उसके प्राण पखेरु शयनावस्था में ही उड़ गए। पूरे उदय पर मामा ने अपने भांजे को मृत पाया तो वह रोने लगा। वह आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। भोले पार्वती संग थे जाते, देखे उन्होंने लोग चिल्लाते, पार्वती शिव जी से बोली, भर दो भक्तों की तुम झोली, करुण पुकार सुनी नहीं जाती, बात है क्या ये क्यों पुरलाए। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। भगवान शिव और पार्वती ने वहाँ जाकर देखा तो माँ पार्वती ने कहा कि ये तो वही युवक है, उस व्यापारी का पुत्र। शिव बोले, हाँ इसका समय पूर्ण हो गया, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। परंतु माता ने शिव जी से पुनः आग्रह किया कि भोलेनाथ ऐसा न करो, इस युवक को जीवन दो। सेठ सेठानी आपके अनन्य भक्त हैं, वे आपके भक्तों पर कष्ट ना आए इसका आपको ही हल करना होगा। दिया वरदान तभी शंकर ने, युवक हुआ जीवित पल भर में, भोले भाव में यूं बह जाते, जैसे पुष्प बहते हैं जल में, युवक ने चिर आयु है पाई, सबने जय जयकार बुलाई। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। युवक अपनी पढ़ाई पूरी करके मामा सहित जब वापिस अपने नगर में जा रहा था तो वे दोनों उसी नगर में पहुँचे जहाँ युवक का विवाह हुआ था। उन्होंने वहाँ यज्ञ किया और जैसे ही राजा ने उन दोनों
मामा भांजे को देखा, उसने उन्हें पहचान लिया और यज्ञ समाप्ति के पश्चात उन्हें महल में ले जाकर धन धान्य देकर अपनी राजकुमारी को उनके साथ विदा किया। उधर सेठ ने अन्यथा त्यागा, सेठानी ने संकल्प लिया था, यदि पुत्र मृत्यु को पावे हम भी मृत्यु तक कुछ ना खाए। पर शिव की है लीला न्यारी, व्रत करने की महिमा भारी। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन उनका बेटा उनकी पुत्र वधु को साथ लेकर नगर में पहुंचा और माता पिता की चरण वंदना करके सारा वृतांत सुनाया। सेठ सेठानी भगवान शिव की लीला और कृपा से अति भाव विभोर हो गए। उसी रात भगवान शिव ने सेठ के स्वप्न में आकर कहा, तुम्हारे निरंतर सोमवार के व्रत व कथा के कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। यह कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। शिव भक्तों के काज समारे, भव सागर से पार उतारे। व्रत पूजन कथा सोमवार की है कुंजी ये मोक्ष के द्वार की। कुमार हरीश सेवक है तुम्हारा, हर पल लेता नाम तुम्हारा। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। तो भक्तों, आपने कथा का भरपूर आनंद व लाभ उठाया। कृपया अन्य भक्तों को यह कथा शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ हो। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्तों, यह सोमवार की व्रत कथा है। कृपया इसे पूरा सुने और अन्य भक्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी कथा हो हमेशा उसे पूर्ण रूप से सुनने पर ही उसका लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव सब देवों के महादेव हैं, वे सर्वोच्च हैं। उनकी कृपा से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। आइए उन्हीं की महिमा से ओतप्रोत सोमवार की व्रत कथा का श्रवण कीजिए। सोमवार दिन बड़ा है पावन, शिव की पूजा कर लो इस दिन। शिव से बड़ा न देव कोई है, शिव चाहे होता वही है। कथा सुनो और सबको सुनाओ, शिव से मन वांछित फल पाओ। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण।
भक्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत दूर तक फैला था। वह नगर में उस व्यापारी की बहुत प्रतिष्ठा थी। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि व्यापारी को कोई संतान नहीं थी, जिस कारण उसे यह चिंता सताती थी कि मृत्यु के पश्चात उसके व्यापार और वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा। पुत्र प्राप्ति की कामना से व्यापारी वे उसकी धर्मपत्नी हर सोमवार व्रत करते और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया करते थे। उनकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हुई। वह भगवान शिव से सेठ की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती बोली, सुनो भगवन, खुशियों से भरो सेठ का दामन, भाव से दोनों करते पूजन, सौंप चुके तुमको तन मन धन, दो संतान का वर इन्हें स्वामी, कृपा करो हे अंतर्यामी। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके पूर्व कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है और यही विधान है। परंतु माँ पार्वती नहीं मानी और सेठ की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बार बार शिव जी से अनुरोध करती रही। और यह सब देखकर भोलेनाथ को पुत्र का वरदान सेठ को देना पड़ा। शिव बोले, सुनो बात हमारी, कर्मों की गति जाए ना तारी, पुत्र मिले पर सुख नहीं पाए, सोलहवें वर्ष में पुत्र मर जाए, कोई है सो ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। उसी रात भगवान शिव ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति के साथ साथ 16वें वर्ष में पुत्र की मृत्यु के बारे में भी बताया। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, परंतु अल्पायु में पुत्र के जाने की बात सेठ को सताने लगी। परंतु व्यापारी विधिवत रूप से पहले की तरह सोमवार के नियमित व्रत करता रहा। कुछ महीनों पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और घर में खुशियां भर गई। सेठ खुशी से नाचे गावे, पर वो बात सेठ को सतावे, अल्पायु में पुत्र चला जाए, रोए या फिर खुशी मनाए, शिव की महिमा समझ न आए, जाने क्या क्या खेल रचाए। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण।
समय के साथ पुत्र बड़ा हुआ और 12 वर्ष का होते ही सेठ ने पुत्र को उसके मामा के साथ वाराणसी में भेज दिया, जहां उसे शिक्षा प्राप्त करनी थी। वाराणसी जाते हुए जहां भी मामा और भांजा रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा के बाद वे दोनों एक नगर में पहुंचे, जहां उस दिन राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण नगर को पूरा सजाया गया था। राजा की कन्या का वर था काना, वर का पिता ना चाहे बताना। वर के पिता ने दिमाग लगाया, सेठ के पुत्र को दूल्हा बनाया। राजा की बेटी को ये ब्याहे, बाद में अपने रास्ते जाए। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। वर के पिता ने सोचा कि एक बार सेठ के पुत्र से विवाह हो जाए, बाद में मामा भांजे को धन देकर बहू को अपने पुत्र के लिए ले जाऊंगा। धन के लालच में मामा ने बात मान ली और अपने भांजे यानी सेठ के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजा की बेटी के साथ विवाह कर दिया। राजा ने खूब धन देकर अपनी बेटी को विदा किया। सेठ का बेटा छुपा नहीं पाया, राजकुमारी को सच है बताया। धोखे से ये विवाह कराया, मामा ने मुझको है फसाया। राजा ने जब सब कुछ है जाना, बेटी को भेजने को ना माना। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। राजा ने अपनी बेटी को अपने घर ही रख लिया और उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी में गुरुकुल पहुंच गया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी रात को अपने शयन कक्ष में सोते हुए शिव के कहे अनुसार उसके प्राण पखेरु शयनावस्था में ही उड़ गए। पूरे उदय पर मामा ने अपने भांजे को मृत पाया तो वह रोने लगा। वह आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। भोले पार्वती संग थे जाते, देखे उन्होंने लोग चिल्लाते। पार्वती शिव जी से बोली, भर दो भक्तों की तुम झोली। करुण पुकार सुनी नहीं जाती, बात है क्या ये क्यों पुरलाए। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। भगवान शिव और पार्वती ने वहाँ जाकर देखा तो माँ पार्वती ने कहा कि ये तो वही युवक है, उस व्यापारी का पुत्र। शिव बोले,
हाँ इसका समय पूर्ण हो गया, इसकी आयु पूरी हो चुकी है, परंतु माता ने शिव जी से पुनः आग्रह किया कि भोलेनाथ ऐसा न करो, इस युवक को जीवन दो। सेठ सेठानी आपके अनन्य भक्त हैं, वे आपके भक्तों पर कष्ट न आए इसका आपको ही हल करना होगा। दिया वरदान तभी शंकर ने, युवक हुआ जीवित पल भर में, भोले भाव में यूं बह जाते जैसे पुष्प बहते हैं जल में। युवक ने चिर आयु है पाई, सबने जय जयकार बुलाई। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। युवक अपनी पढ़ाई पूरी करके मामा सहित जब वापिस अपने नगर में जा रहा था, तो वे दोनों उसी नगर में पहुँचे जहाँ युवक का विवाह हुआ था। उन्होंने वहाँ यज्ञ किया और जैसे ही राजा ने उन दोनों मामा भांजे को देखा, उसने उन्हें पहचान लिया और यज्ञ समाप्ति के पश्चात उन्हें महल में ले जाकर धन धान्य देकर अपनी राजकुमारी को उनके साथ विदा किया। उधर सेठ ने अन्यथा त्यागा, सेठानी ने संकल्प लिया था, यदि पुत्र मृत्यु को पावे हम भी मृत्यु तक कुछ ना खाए। शिव की है लीला न्यारी, व्रत करने की महिमा भारी। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना, तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन उनका बेटा उनकी पुत्र वधु को साथ लेकर नगर में पहुंचा और माता पिता की चरण वंदना करके सारा वृतांत सुनाया। सेठ सेठानी भगवान शिव की लीला और कृपा से अति भाव विभोर हो गए। उसी रात भगवान शिव ने सेठ के स्वप्न में आकर कहा, तुम्हारे निरंतर सोमवार के व्रत व कथा के कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। यह कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। शिव भक्तों के काज समारे, भव सागर से पार उतारे। व्रत पूजन कथा सोमवार की है कुंजी ये मोक्ष के द्वार की। कुमार हरीश सेवक है तुम्हारा, हर पल लेता नाम तुम्हारा। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। जय शिव शंकर भगवान, करना सबका कल्याण। तो भक्तों, आपने कथा का भरपूर आनंद व लाभ उठाया। कृपया अन्य भक्तों को यह कथा शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ हो। बोलो शंकर भगवान की जय।